कहीं ना कहीं इन रुझानों को अगर हम देखें गोवा में, तो भारतीय जनता पार्टी की जो तस्वीर है वो 2012 से ही पीछे दिख रही है। 2017 में भी बीजेपी पीछे रही, और एक बार फिर हम आपको बता दें वो तस्वीर एक बार फिर पीछे होती दिख रही है गोवा में। ये तस्वीरें जो हम आपको बता रहे हैं, गोवा में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी बहुमत बनाती नहीं दिख रही है। गोवा का हम आपको गोवा की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। गोवा में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बढ़त बनाती दिख रही है, तो इस वक्त एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। पटियाला से कैप्टन अमरिंदर सिंह पीछे चल रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अब पीछे चल रहे हैं, तो पटियाला से नवजोत सिंह सिद्धू आगे चल रहे हैं। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू आगे दिख रहे हैं, तो पटियाला से कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कि पंजाब के पूर्व सीएम रहे हैं वो पीछे दिख रहे हैं। तो आपको बता दें पटियाला से कैप्टन अमरिंदर सिंह पीछे दिख रहे हैं, और इसके साथ ही साथ पंजाब में अगर बात करें तो पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू आगे बढ़ते दिख रहे हैं, यानी सिद्धू का कमाल एक बार फिर चल रहा है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि अब जो कैप्टन अमरिंदर सिंह है वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है, ये रुझान है, ये रुझाने हैं जिसमें जो पंजाब में कुछ चर्चित चेहरे रहे हैं विधानसभा चुनाव में, वो आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। अश्विनी शर्मा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, पठानकोट से चुनाव लड़े हैं। अश्विनी शर्मा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, पंजाब विधानसभा चुनाव में प्रमुख चेहरे। कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी पटियाला शहरी से उन्होंने चुनाव लड़ा है। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री, नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस से अमृतसर ईस्ट से चुनाव उन्होंने लड़ा है। नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब में आगे दिख रहे हैं, यह अभी के रुझान बता दें। परगट सिंह की बात कर ले, कैबिनेट में मंत्री है, जालंधर कैंट से चुनाव उन्होंने लड़ा है। पंजाब के प्रमुख दिग्गज चेहरे पंजाब विधानसभा चुनाव के प्रकाश सिंह बादल SAD लंबी, यहां से उन्होंने चुनाव लड़ा है। ये कुछ चर्चित चेहरे पंजाब विधानसभा चुनाव के। बलबीर सिंह राजवाल संयुक्त समाज मोर्चा सबटाला से इन्होंने चुनाव लड़ा है, पंजाब के प्रमुख दिग्गज। भगवंत मान आम आदमी पार्टी से धूरी सीएम फेस, मुख्यमंत्री का चेहरा रहे हैं इस बार, भावी मुख्यमंत्री का चेहरा रहे हैं पंजाब में, धूरी विधानसभा सीट से पंजाब में। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के मुख्यमंत्री, कांग्रेस से मदौड़ और चमकौर साहिब सीट से चुनाव लड़ा। सुखबीर सिंह बादल